हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस। और आज के वीडियो में मैं आप लिए लेके आई हूँ नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए ओरल सिलेबस। नर्सरी में बच्चों को ओरल में क्या क्या चीज़ें करानी हैं, आज ये मैं डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ और डिटेल में बताऊँगी कि किस तरह से आप ये सारे टॉपिक्स बच्चों को करा सकते हैं। तो नर्सरी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और EVS सिलेबस हम लोग देखेंगे ओरल। तो फर्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज कराना है बच्चों को कैपिटल लेटर। तो ओरल में ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को कैपिटल लेटर जो ABCD होती है वो पढ़ाइए। आप चाहें तो चार्ट बना सकते हैं, बड़े बड़े चार्ट पे पूरा A to Z लेटर लिख के बच्चों को करा सकते हैं, या एक छोटे छोटे प्लास्टिक के आते हैं मैग्नेटिक वाले, टॉयज़ की तरह आता है, आप वो भी ले सकते हैं। मार्केट में इजीली आपको वो मिल जाएगा, उससे भी बहुत जल्दी बच्चे लेटर को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं। मैंने मेरे बेटे के लिए वही यूज़ किया था, ऑनलाइन मैंने वो किट पूरी मंगाई थी जिसमें लेटर्स और नंबर्स और स्वर व्यंजन भी आते हैं। तो उनकी हेल्प से आप बच्चों को इजीली लेटर्स रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। अगर आपको वो ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वो परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर फोनिक्स। बच्चों को फोनिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करानी है, ओरल कराना है। मीन्स जब भी आप छोटे बच्चों को ABCD पढ़ा रहे हैं तो फोनिक्स साउंड के साथ कराएं। फोनिक्स पे मेरा एक वीडियो है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने फोनिक्स का जो सॉन्ग होता है अल्फ़ाबेट सॉन्ग उस तरह से बताया हुआ है। तो उस तरह से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लाइक ए एप्पल, बी बह बॉल, सी क कैट, इस तरह से फोनिक्स के साथ बच्चों को आप A to Z पढ़ाएं। तो ओरल में आप ये करा सकते हैं। नेक्स्ट है रीड लेटर्स विथ ऑब्जेक्ट्स नेम। ऑब्जेक्ट्स के नेम के साथ बच्चों को लेटर्स पढ़ाना है, लाइक ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। तो एक ही लेटर से आप कई ऑब्जेक्ट्स के नेम बच्चों को कराएंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो कमांड होगी लेटर्स पे, लेटर्स रिकॉग्निशन पे और उनके साउंड पे। नेक्स्ट है रीड लेटर्स विदाउट ऑब्जेक्ट्स नेम। अब बिना ऑब्जेक्ट्स नेम के साथ, जैसे कि आप बीच में से कोई भी लेटर बच्चों को पूछ सकते हैं, लाइक के है, तो बिना ऑब्जेक्ट दिखाए, क्योंकि अगर वहाँ काइट बना है तो बच्चा ईजिली वो कैच कर लेता है कि काइट है तो के फॉर काइट है। बट बिना पिक्चर दिखाए आप बच्चों को लेटर्स पहचानने की प्रैक्टिस कराइए, उनसे बीच बीच में से सिर्फ लेटर्स पूछिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करानी है। नेक्स्ट है रीड टू लेटर्स वर्ड। टू लेटर वर्ड्स में मीन्स दो वर्ड्स, दो लेटर्स को जोड़ के जो वर्ड बनते हैं, जैसे कि ओ एफ ऑफ, ए टी एट। तो जब बच्चे A to Z पूरे लेटर्स अच्छे से पहचानने लगें, उनके फोनिक्स उनको अच्छे से लर्न हो जाएं, उसके बाद आप ये टू लेटर ओरल में बच्चों को करा सकते हैं। ए टी, तो बच्चे ए को पढ़ेंगे ए, टी को पढ़ेंगे ट, तो ए ट एट, इस तरह से आप बच्चों को कराएं। लाइक सपोज़ यहाँ पे ए और बी है, अब ये बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, ए का साउंड होता है ए और बी का साउंड होता है ब, तो इसे बच्चे पढ़ेंगे ए ब एब। तो इस तरह से आप बच्चों को फोनिक्स की हेल्प से टू लेटर वर्ड्स जो हैं वो पढ़ना सिखाएं। नेक्स्ट है राइम्स। आप उनको 7 to 8 या 10 राइम्स करा सकते हैं इंग्लिश में। राइम्स के बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके आप इजी छोटी छोटी राइम्स बच्चों को एक्शन के साथ करा सकते हैं। यूट्यूब पे आपको एक्शन के साथ बहुत सारी राइम्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है स्टोरी। 2-3 स्टोरीज़ बच्चों को इजी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो नर्सरी क्लास के लिए एक्शन के साथ स्टोरीज़ मिल जाएंगी, आप बच्चों को वो स्टोरीज़ करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी। हिंदी में अगेन रिकॉग्नाइज अ से अह, अ से अह तक बच्चों को जो अक्षर होते हैं वो पहचानना आना चाहिए। देन चित्र के साथ स्वरों की पहचान, अ से अह तक चित्र के साथ बच्चे पहचाने, जैसे अ से अनार, बड़ा आ से आम, इस तरह अ से लेके अह तक बच्चों को पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करानी है नर्सरी में। चित्रों के बिना स्वरों की पहचान, अब बिना चित्र देखे बीच बीच में से, जैसे मैंने लेटर्स के लिए बोला कैपिटल लेटर्स के लिए, उसी तरह स्वर में भी आप बीच बीच में से, जैसे कि
लिखा हुआ है ये, अगर बगल में पिक्चर बनी होगी तो इजीली बच्चा बता देगा कि बड़ी ई से ईक है ये, लेकिन बिना पिक्चर के बच्चों को ये पहचानना आना चाहिए कि ये बड़ी ई है कि छोटा ऊ कैसे होता है, ऋषि कैसे होता है, रिस कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें नर्सरी में करानी है। देन रिकॉग्नाइज क से ज्ञ, ऐसे तो हिंदी बच्चे थोड़ा लेट से सीखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं है पूरा क से लेके ज्ञ तक आप एक साथ पढ़ाएं। पहले क से अंगा तक आपने करा लिया, फिर च से आपने इयां तक करा लिया, जैसे टू लाइन किया, क वाली लाइन, च वाली लाइन, ट वाली लाइन, थ्री लाइन एक साथ कराया, उसकी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन कराएं। जब एक बार क से लेके ळ तक उनको क्लियर हो जाए, देन उसके आगे आप बढ़ें। तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा क से लेके ज्ञ तक बच्चों को पहचानने आ जाना चाहिए। लिखने की अभी इतना ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि हिंदी बच्चे थोड़ा लेट से सीखते हैं। तो लिखने में तो बहुत सारे स्कूल में नर्सरी में सिर्फ क से ड तक लिखने के लिए आता है, वो भी एनुअल टर्म में आता है, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में तो कई स्कूलों में ऐसा होता है कि हाफ ईयरली के बाद हिंदी रिटन स्टार्ट होता है। तो ओरल में आप क से ज्ञ तक पूरा पिक्चर के साथ करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र के साथ और चित्र के बिना क से ज्ञ की पहचान। तो चित्र के साथ भी आप पढ़ाएं क से कबूतर, ख से खरगोश इस तरह से, और चित्र के बिना भी उन्हें ये पहचानने आना चाहिए। देन एक बार क से ज्ञ तक पूरा अच्छे से अगर वो पहचान जाते हैं, तो दो अक्षर वाले शब्द आप बच्चों को करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क ल कल, न ल नल, इस तरह से दो अक्षर वाले शब्द बच्चों को आप करा सकते हैं। और लास्ट में है कविता और कहानी। हिंदी की भी बहुत सारी कविताएं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और आप मार्केट में से बुक भी ले सकते हैं, और चार चार पांच पांच लाइन की जो कविताएं होती हैं वो बच्चों को याद कराएं, और एक दो कहानी बच्चों को एक्शन के साथ याद कराएं। नेक्स्ट है मैथ सिलेबस। मैथ्स में रिकॉग्नाइज नंबर्स 1 to 20। अब ज़रूरी नहीं है 1 से 20 आपको एक साथ पढ़ा देना है बिल्कुल, पहले 1 से लेके 5 तक आप नंबर्स कराइए, देन 6 to 10 कराइए, मीन्स हाफ हाफ करके आप बच्चों को लर्न कराइए। तो 1 से लेके 20 तक बच्चों को नंबर रिकॉग्निशन आपको नर्सरी में करानी है, और बिना रुके पूरी सीक्वेंस में बच्चों को काउंटिंग भी लर्न करानी, लाइक 1, 2, 3 पूरा 20 तक कराना है। देन बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1, बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स उल्टी गिनती, लाइक 10, 9, 8, 7, तो इसकी प्रैक्टिस आप जब डेली उनको ओरल कराएंगे तो वो ईजिली ये लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्री बेसिक कॉन्सेप्ट। मैथ्स में बच्चों को प्री बेसिक कॉन्सेप्ट कराना है, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल। तो ये आप घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, तो उनकी हेल्प से आप बच्चों को बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, टॉल और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, हैवी लाइट, अप डाउन, इनसाइड आउटसाइड, फुल एम्प्टी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बच्चों को क्लियर करने हैं। तो घर में जितने भी सामान होते हैं उनकी हेल्प से आप बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। नेक्स्ट है नंबर नेम्स 1 to 10। 1 to 10 तक के स्पेलिंग आप बच्चों को लर्न कराएं। ज़रूरी नहीं है कि लिखना भी बच्चों को आ जाए, क्योंकि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो बच्चे LKG में जाके सीखते हैं, किसी किसी स्कूल में नर्सरी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, बट बेसिकली क्या होता है कि ये LKG में ही स्मॉल लेटर केस आते हैं। तो स्पेलिंग्स जो हैं वो बच्चों को ओरल के लिए आप करा सकते हैं, एक बार उनको काउंटिंग अच्छे से आ गई है तो आप स्पेलिंग स्टार्ट करा सकते हैं, O-N-E-1-T-W-O-2 इस तरह से। एंड लास्ट में दिया है टेबल। टेबल तो ऑप्शनल है, किसी किसी स्कूल में होता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है, बट आपके बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा इजीली काउंटिंग 1 to 20 उसने कर लिया है, और 1 to 20 तक के नंबर्स में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज लाइक आफ्टर बिफोर वो अगर कर ले रहा है, काउंट एंड मैच, काउंट एंड राइट, उसके बाद आप ये टेबल स्टार्ट करा सकते हैं सिर्फ ओरल के लिए, नॉट फॉर रिटन। नेक्स्ट है EVS। EVS में माई सेल्फ, माई बॉडी, माई फैमिली, माई हाउस एंड माई स्कूल। तो माई सेल्फ में बच्चों को अपने बारे में 4 से 5 लाइन आपको उनको लर्न करानी है, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, तो माई नेम इज़, आई रीड इन दिस क्लास, वो आई एम अ गर्ल और अ बॉय, वो गर्ल हैं कि बॉय हैं, उनके स्कूल का नाम और उनके पेरेंट्स का नाम। तो माई सेल्फ में बच्चों को आपको 4 to 5 लाइन लर्न करानी है। अगर आप
चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए हेल्प के लिए, तो आप मेरे दूसरे क्लास के लाइक यूकेजी पे मैंने वीडियो किया हुआ है, यूकेजी की वर्कशीट बनाई हुई है, तो उन वर्कशीट से भी आप इन टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, माई सेल्फ में मीन्स बच्चों के बारे में 5 लाइन, देन माई बॉडी बच्चों के बॉडी पार्ट्स आप उन्हें पूरे रिकग्नाइज कराना सिखाइए कि कैसे कैसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं और कितने हैं, लाइक हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव, हाउ मैनी नोज डू यू हैव, तो बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड इस तरह के टॉपिक्स बच्चों को कराइए। देन माई फैमिली, माई फैमिली में बच्चों को उनके फैमिली में जो लोग हैं उनके बारे में बताइए, लाइक ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर, मदर, अंकल, आंट, तो फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस कराइए। देन माई हाउस, माई हाउस में आप ये बता सकते हैं बच्चों को कि घर में कितने रूम होते हैं और कौन से रूम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लाइक स्टडी रूम्स में हम स्टडी करते हैं, किचन में खाना बनता है, और बाथरूम में हम लोग वॉशरूम के लिए यूज़ करते हैं, देन डाइनिंग रूम, देन ड्राइंग रूम, बेडरूम, तो ये सारे रूम्स के बारे में बताइए। और लास्ट में है माई स्कूल, माई स्कूल में, स्कूल में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रूम होते हैं, ये बच्चों को बताइए, लाइक क्लासरूम होता है, स्टाफ रूम होता है, प्लेग्राउंड होता है, कंप्यूटर लैब होता है, असेंबली हॉल होता है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ओरल आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चों को कराना है, एनी 5-6 फ्रूट्स के नेम और वेजिटेबल्स के नेम बच्चों को लर्न करा दीजिए, स्पेलिंग नहीं, अभी सिर्फ उनके नेम्स लर्न कराइए और फ्रूट्स और वेजिटेबल में डिफरेंस बताइए। घर में भी आपके काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते होंगे तो उन्हें शो करके बच्चों को बताइए कि हाँ ये फ्रूट्स है और जिन्हें हम पका के खाते हैं वो वेजिटेबल्स होती हैं, उनके नेम इंग्लिश में पूरा लर्न कराइए। नेक्स्ट है फ्लावर्स एंड प्लांट्स, और फ्लावर्स एंड प्लांट्स के बारे में भी, फ्लावर्स के भी 5-6 फ्लावर्स के नाम उनको लर्न कराइए, रिकॉग्नाइज करना सिखाइए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और अगर आप कोई बुक चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स सजेस्ट कर दूँगी, वहाँ से जाके आप वो बुक्स ले सकते हैं जिससे आप ये सारी चीज़ें बच्चों को ओरल करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स, अब फ्लावर्स और प्लांट्स में, प्लांट्स में भी बच्चों को जैसे डिफरेंट ट्रीज हैं, पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में कराइए, एनिमल्स में एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, देन क्लोथ्स, अब क्लोथ्स में कौन से क्लोथ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को कराइए, और कौन से क्लोथ्स कब, जैसे विंटर्स में हम लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, समर में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, देन फूड, फूड में हेल्दी फूड्स में कौन कौन से फूड आते हैं, अनहेल्दी फूड कौन होते हैं, ये बच्चों को पढ़ाना है, देन सीज़न, कितने सीज़न होते हैं, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, सीजन्स के बारे में बताइए और किस सीज़न में हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें उन्हें ओरली समझाइए। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स में बच्चों को आपको बताना है कि कौन कौन से हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदू कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस के फेस्टिवल्स, देन नेशनल फेस्टिवल भी आप करा सकते हैं, 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, नेशनल में फेस्टिवल में आता है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, तो ये बच्चों को आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट है हेल्पर्स, हेल्पर्स में लाइक पोस्टमैन, स्वीपर और पुलिसमैन, डॉक्टर, इन सब के बारे में बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। और लास्ट में आता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट, तो इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट में एनी 2-3 आप व्हीकल्स बता सकते हैं, लाइक कार, बस, स्कूटर, देन एयर ट्रांसपोर्ट में आपने एरोप्लेन बता दिया, हेलीकॉप्टर बता दिया, देन वाटर ट्रांसपोर्ट में आपने शिप बता दिया, बोट बता दिया, क्रूज बता दिया, तो बस इतनी चीज़ें बच्चों को ओरली लर्न करानी है। तो ये था नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए ओरल सिलेबस, आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नर्सरी में बच्चों को ओरल में क्या क्या चीज़ें करानी हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करिए ये सारी चीज़ें कराना, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं, अगर आपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराया है तो अब एडमिशन कराने का टाइम आ गया है, और अगर करा दिया है तो अगर ये सारी चीज़ें बच्चे पहले से प्रिपेयर किए रहेंगे तो उन्हें क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप नर्सरी की प्लेलिस्ट चेक करके
वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बहुत सारे कई सिलेबस भी बनाए हुए हैं, तो आप सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है उनमें कुछ और भी चीज़ें आपको मिल जाएं, रिटन सिलेबस मिल जाए, मैं और भी अदर सब्जेक्ट्स लाइक जीके है, ड्राइंग है, उनमें बच्चों को क्या कराना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये सारे सिलेबस पे वीडियोस किए हुए हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो एक दो साल भले पुराने हैं, लेकिन सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो आप वो वाले वीडियोस भी चेक कर सकते हैं नर्सरी की प्लेलिस्ट में। और LKG UKG क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में अगर आपके बच्चे हैं, तो आपके लिए ये जो मेरा चैनल है बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स नर्सरी टू क्लास 3 आपको इसी में मिल जाएंगे। और क्लास 4, 5 से रिलेटेड अगर आप स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं, तो मेरा एक और चैनल है शिवीज क्लासेस जोन, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। 4, 5 के वीडियोस मैं उस पर डालती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।